साथ जो उन्होंने गलती की है ना, लड़कों को कोई कसूर नहीं, क्रिमिनल मिस्टेक, क्रिमिनल मिस्टेक्स। इंडिया का 16-0 होकर अफसोस करने से बेहतर है ना अपनी तरफ देखो कि अपनी गलती क्या थी। पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया, पाकिस्तान हॉकी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो व्हाट द ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन। इंडिया ने 16 गोल पेल दिए भाई उठा के, एंड देन यू कैन 16 गोल करेंगे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, हो गया पाकिस्तान बाहर, हो गया हमारी हॉकी टीम बाहर होगी। हैविंग 12 प्लेयर्स इन द फील्ड, कैसे हो गया ये, ऐसा कैसे हुआ? आखिरी जिसको कह सकते हैं 15 मिनट के अंदर इंडिया को 6 गोल चाहिए थे, 6 गोल, वो 6 गोल उन्होंने 6 जिसको कहते हैं ना आखिरी 5-6 मिनट के अंदर ही मार के खत्म कर दिए। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, ये हो क्या रहा है। इसको वीडियो रेफरल पे लेकर गए तो पता ये चला कि जिस वक्त उस पेनल्टी कॉर्नर पे या उस वक्त पाकिस्तान ने गोल स्कोर किया, उस वक्त भी पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जो है वो फील्ड पे, इसलिए पाकिस्तान का जो गोल है, गोल भी वापस कर दिया। 37 बरस से ओलंपिक गेम्स नहीं जीते, 27 बरस से वर्ल्ड कप नहीं जीते, 2 ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, जो 3 ओलंपिक गेम जीता है। तो मुझे ये पता है इंडिया ने लास्ट 30 मिनट्स में 10 गोल करने थे और लास्ट 30 मिनट्स में, लास्ट 15 मिनट्स में 5 गोल। अब पाकिस्तान बाहर है वर्ल्ड कप से, अफसोस ना यार, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप हम नहीं खेले, ये वर्ल्ड कप हम अब अगला वर्ल्ड कप हम नहीं खेल सकते, हम पिछले 2 ओलंपिक से बाहर हो चुके, तो हम कहां खड़े यार हॉकी में। क्या आप इंडिया की फैसिलिटीज देखें, जापान की फैसिलिटीज देखें, हमारे हमसायों ने ऐसा तीर चलाया कि मतलब कि हमें एशिया कप से भी बाहर कर दिया और जिसको कह सकते हैं वर्ल्ड कप से भी, 2023 के हॉकी के वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया। यू नो, अगर आप ये प्लेयर्स अगर अपने गेम को रेज नहीं करेंगे, बात यही बनेगी भाई, साफ सीधी बात पे कर रहा हूँ कि इस तरह हमारी हॉकी कभी नहीं उठेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर है ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हॉकी में जो भारत है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है और ये सब इंडोनेशिया के हराने के बाद हुआ है। दोस्तों भारत के सेमीफाइनल में आने पर पाकिस्तान जो है अब वो एशिया कप से बाहर हो गए, जिसके बाद से पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है आज वो बौखलाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी खुशी नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी इंटरनेशनल मैचेस हो या फिर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, चारों तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो हारता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों ऐसा ही होता है वैसे देश के साथ, जो देश जो है वो डूबने वाला होता है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में क्राइसिस बनी हुई है उसके बाद से खेल कूद में भी जो पाकिस्तान है वो पिछड़ता जा रहा है, और हॉकी में इस हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुआ है, क्योंकि भारत के सेमीफाइनल में आने से जो पाकिस्तान है वो अब एशिया कप से बाहर हो चुका है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जो न्यू जो वहाँ पे देखने वाले लोग हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक और न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे 12 खिलाड़ियों को भेज दिया गया था, जिसके बाद से काफ़ी चेकअप के बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनली बेइज्जती भी हुई है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एशिया कप से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इंडियन जो न्यूज सॉरी इंडियन जो हॉकी टीम है उसको कैसे तारीफ कर रही है। बहुत बड़ा ब्लंडर, Having 12 players in the field, कैसे हो गया ये? ऐसा कैसे हुआ? मेरे ख्याल से शायद world record हो गया होगा, पहली बार। तो ये first time आप तो देखा आप है। तो हाँ, आप तो और खेले हैं हॉकी। तो हैरत हो रही है कि मतलब ख्वाजा जुनेद साहब ने इतना बड़ा ब्लैंडर किया है, यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है अगर हम नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि शायद ये मजाक है। ऐसे ही हो रहा है और बड़ा मजेदार। I don't know how many of you are actually following it. Like just आज इतना unlucky रहा है पाकिस्तान। गोल हो गया और ये सेलिब्रेशंस हो गई और गेम रीस्टार्ट होने वाला है, तो गालबन ये फील्ड जूरी की जानिब से, जूरी बाहर बैठी हुई होती है हॉकी में, उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन आई कि वेट 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 रुको रुको रुको, पाकिस्तान हैज गॉट 12 प्लेयर्स ऑन द फील्ड। तो फिर जब जो हुआ तो फिर जी बिल्कुल कैलकुलेशन उनकी फिट थी। अब किसी को तो पिनलाइज करना होता है, अब आप कोच को या ख्वाजा जुनेद को तो कुछ बोलेंगे नहीं, कप्तान बेचारे की उमर भुट्टा जो बहुत दिल लगा के बेचारा खेल रहा था, उन्होंने कहा जी आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएं, ठीक है। अच्छा फिर पता नहीं क्या, नो हियर इज द फन पार्ट, पाकिस्तान अभी भी 3-3 बराबर किया हुआ है, पाकिस्तान के खिलाड़ी ने आके कहा कि नहीं हमें इसको रेफरल, इसको वीडियो रेफरल पे लेकर जाना है। तो जब उसको वीडियो रेफरल पे लेकर गए तो पता ये चला कि जिस वक्त उस पेनल्टी कॉर्नर पे या उस वक्त पाकिस्तान ने गोल स्कोर किया, उस वक्त भी पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जो है वो फील्ड पे, इसलिए पाकिस्तान का जो गोल है गोल भी वापस कर दिया। यानी मैं क्या बताऊं कि 2 गोल, हाँ वो तो पहला एक 12 खिलाड़ी के होने वाला, अब ये इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहरहाल जी इंडिया हमले पे हमले किए जा रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने अभी छठा गोल जो है ना वो कर दिया, ये हम बात ही कर रहे थे। तो आज बड़ा अफसोस हुआ है, मतलब आई एम वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी डाउन राइट नाउ, इसलिए क्योंकि यार पाकिस्तान हॉकी टीम हार गई जापान से, इंडिया ने अपना गेम रेस किया, अब बाहर कर दिया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर से, अब मतलब वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, ये क्वालिफाइंग था एशिया कप जो हो रहा है इस वक्त इंडोनेशिया में। एंड सो सैड यार, पाकिस्तान हॉकी का जो जवाल है वो वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। और मतलब देखो
आज जापान से हम हारे 3-2, ठीक है। काफी लोगों में कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों ने कहा है कि यार अब जो है सो है, यही है, क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। बात ये, मुझे जिस चीज पर मुझे जो गुस्सा चढ़ रहा है वो ये चढ़ रहा है कि यार इंडिया को 15 गोल से जीतना था। उनको पता था कि हमने 15 गोल से मारना है इंडोनेशिया को अगर हमें सुपर फोर में जाना है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान लूजेस टू जापान, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 नहीं, उन्होंने 16 गोल मार दिए, ठीक है, इंडोनेशिया के खिलाफ। तो दिनेश द गेम ना, दैट्स द पॉइंट। वेन नेशनल प्राइड इज एट स्टेक, वेन यू आर फेसिंग अ नॉकआउट सिचुएशन इन अ बिग टूर्नामेंट, यू रेस योर गेम यार। मतलब पाकिस्तान टीम को आज नए लड़के थे, जो भी थे, इंडिया के भी सारे नए लड़के थे, तो पाकिस्तान हैड टू लिफ्ट इट्स गेम। मतलब 3-2 इज नॉट गुड इनफ। 3-2 क्यों आप हारेंगे जापान से यार? जापान अच्छी टीम है, मैं नहीं कह रहा बुरी टीम है जापान, शायद मतलब चैंपियंस भी है, दूसरा शायद वो जीत भी जाए आगे चल के। मैंने कहा था जापान कोरिया मुश्किल करेगा पाकिस्तान इंडिया के लिए, लेकिन यू नो, अगर आप ये प्लेयर्स अगर अपने गेम को रेज नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी भाई। साफ सीधी बात मैं कर रहा हूं कि इस तरह हमारी हॉकी कभी नहीं उठेगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स को जो है हाथ उठाना पड़ता है। आज नहीं उठाया हाथ हमारे प्लेयर्स ने, साफ सीधी बात मैं करता हूं, इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ उठाया। वो मतलब बाहर होने के, जापान से हारने के बाद भी दे केम बैक स्ट्रांग, दे न्यू दे हैड आउटसाइड चांस एंड दे टुक इट। 16 गोल्स पाकिस्तान ने 13 गोल से मारा था इंडोनेशिया को। अब मैंने अभी परसों ये बात कही कि यार लास्ट क्वार्टर में पाकिस्तान ने वेस्ट कर दिया मतलब गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को। पाकिस्तान शुड हैव ट्राई टू इंक्रीज द टैली एज मच एज दे कुड हैव, बट दे डिडंट। दे फेल्ट कि 13-0 बहुत है, चलो जी अब तो हम मतलब सेफ हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब पाकिस्तान बाहर है वर्ल्ड कप से, अफसोसनाक है यार, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप हम नहीं खेले, ये वर्ल्ड कप हम अब अगला वर्ल्ड कप हम नहीं खेल सकते, हम पिछले 2 ओलंपिक से बाहर हो चुके, तो हम कहां खड़े हैं यार हॉकी में? ठीक है पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो सब अपनी जगह, लेकिन यार आई मीन कॉम का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ क्रिकेट के अलावा कहीं है नहीं। क्योंकि अगर हॉकी पे इंटरेस्ट होता ना, तुमको तो ऐसी पढ़नी थी ना, ऐसी पढ़नी थी कि ये लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि आज जो इन्होंने गलती की है ना, लड़कों को कोई कसूर नहीं, क्रिमिनल मिस्टेक, क्रिमिनल मिस्टेक्स। इंडिया का 16-0 होके अफसोस करने से बेहतर है ना अपनी तरफ देखो कि अपनी गलती क्या थी, ठीक है ना। इंडिया ने वो 9 लड़के डेब्यूटेंट्स हैं इसके ऊपर, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, लेकिन आज उनको पता था कि हमने 16 गोल करके सेमीफाइनल में जाना। अगर आज का वो मैच जीत भी जाते और 16 गोल नहीं भी करते तो उनकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी हॉकी हमसे बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ गया, हम 18वें नंबर पे, वो वर्ल्ड के 3rd नंबर की टीम, उनको कुछ नहीं भी करना था उनका। लेकिन आज अगर आपने वो हॉकी के गेम देखा हो, असल में लोग गेम नहीं देखते सिर्फ शुरू हो जाता है, अगर गेम देखा हो ना तो 80% पोजीशन इंडिया ने अपने पास रखी है और उनके डी में ले जाते थे, सिर्फ इतना सा काम करते थे। उनको पता था इतने माठे इंडोनेशिया वाले कि इनसे भागा भी नहीं जा रहा, वो जाते थे सिर्फ इनके पांव के ऊपर वो बॉल मार देते थे, वहां से पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता था, वहां से क्या कहते हैं आप आराम से गोल डेफिनेटली करते थे। और 16 गोल करके, और जब 16वां गोल हुआ और जिस तरह सेलिब्रेशन हुई, आपको मेरे ख्याल से दिख गया होगा दे हैड अ प्लान, कि उनको पता था उन्होंने एक चीज को, स्ट्रेटजी को प्लान किया हुआ था। मुझे सिर्फ ये पता है इंडिया ने लास्ट 30 मिनट्स में 10 गोल करने थे, और लास्ट 30 मिनट्स में, लास्ट 15 मिनट्स में 5 गोल करने थे। आखिरी क्वार्टर में तीसरे क्वार्टर तक इंडिया 10वें गोल तक पहुंच गया था। हाफ टाइम तक इंडिया 5 गोल नहीं, कितने 7-6 या 7 गोल पे था। उसके बाद तीसरे क्वार्टर पे इंडिया ने 3 गोल और जोड़े, 10 गोल तक किया, और चौथे क्वार्टर पे उनको पता था। और चौथे क्वार्टर खत्म होने से 1:40 पहले इंडिया ने अपना 16वां गोल मारा और कहानी खत्म कर दी। और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जो होप थी, जो बिल्कुल क्रैश कर दी। वो कौन आएगा पाकिस्तान में, वो कौन सा लीडर है, वो कौन सा चैनल है, वो कौन सा जर्नलिस्ट है जो शोर मचाने के अलावा कल बैठ के साजिद खोकर साहब से सवाल करेगा कि साजिद खोकर साहब, जब पाकिस्तान आज से 7 साल पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था तो आपको लेकर आए थे, आपकी सरबराई, आपकी प्रेसिडेंसी के अंदर पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया, पाकिस्तान हॉकी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो व्हाट द ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन। आप वर्ल्ड कप से पहले, वो लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से पहले आप एक गोरा कोच ले आए थे, इस बार आप एक ऑस्ट्रेलियन कोच ले, आप ऑस्ट्रेलियन ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मैन डच है, आप डच कोच ले आए और डच कोच को लाके आप क्या कहते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन उनके सर पर डाल दी कि आप, तो वो भी उस बेचारे ने जितनी मेहनत करनी थी उसने मेहनत की, वो इतनी देर में अली वो इतना ही कर सकता, जादू की छड़ी नहीं है एकमैन के पास कोई। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो एकदम बौखलाया हुआ है, ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया जिसकी वजह से पाकिस्तान बाहर हो गया। इससे पाकिस्तान पर और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ गया है क्योंकि आपको पता होगा कि जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को किसी भी चीज में हराता है या उसकी वजह से कोई भी चीज पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं और बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि जो पाकिस्तानी है वो अपने हॉकी टीम के जो कोच हैं या फिर जो मैनेजर हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कैसी तैयारी की थी कि उनको ये बात पता नहीं था कि इंडिया जो है अगर वो सेमीफाइनल में जाएगा तो वो कुछ
जैसा करें कि ताकि वो बच सकें, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो ये कारनामा कर दिया उसके बाद से पूरी दुनिया में हॉकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही हैं और लोग जो है वो इंडियन टीम की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारे खिलाड़ियों का इतना ज़्यादा ध्यान दिया, उन पर खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद से जो खिलाड़ी हैं वो निखर के भी आ रहे हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INN न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INN न्यूज़।